नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। राजीव गांधी पर बयानबाजी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की पीएम मोदी की शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से अलग अलग चुनावी रैलियों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत की है। कांग्रेस ने मांग की है कि पीएम मोदी की जनसभाओं में बोलने पर रोक लगानी चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि ये आचार संहिता उल्लंघन और शहीद का अपमान है। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ नेता कांग्रेस सेमी था। इस मामले पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि पीएम मोदी अपनी हार देखकर बौखला गए हैं। पीएम मोदी ने राजीव गांधी को सिर्फ गाली ही नहीं दी बल्कि शहादत का भी अपमान किया है। मोदी अपने काम नहीं गिना पा रहे हैं तो दूसरों को गाली देने का काम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजीव गांधी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भले ही नरेंद्र मोदी ने उनके पिता राजीव गांधी का अपमान किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए उनके मन में केवल प्यार है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।